जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के साथ ही जाम की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए आयुक्त सभागार में मंडल आयुक्त जयंत निरंकल की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडल आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही आम जनमानस से यातायात के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराया जाए, साथ ही यातायात के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में डीजी अखिल कुमार, आईजी राजेश मुंडक, डीआईजी जोगिंदर कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अर्बन कैटेगरी ग्रीन रन का होता है, उसका भी सार ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है, उसी के अंदर एक कैपिंग कर रखा है नंबर्स कितने होना चाहिए था। हार्डली वी आर हैविंग अराउंड 6000 समथिंग ऑटो रिक्शा शहर में, उसके अलावा छोटी छोटी बाकी कस्बों में भी है 6000, ये तो कैपिंग नहीं है सर, अभी वो भी भारी मात्रा में। और लास्ट सेगमेंट में बताया था सर, यही तो सर एक गंदा इमेज देता है, मेनली जो ऑटो रिक्शा है और जो रिक्शा है और जो टैक्सी है, तब तक वो इंतजार करता है एक भी सीट खाली नहीं छोड़ते हैं ताकि उनका इकोनॉमिक्स का बोर्ड होता है, उसलिए तो वो पूरा कोशिश करता है कैसे ही चेकिंग करा करके अपने गाड़ी, तब तक नहीं करता है तब तक वहीं रहता है। इमिडिएटली एड्रेस करना, तो वैसे सर ने चार लोकेशन हम लोग सर शहर के चारों तरफ पहले आइडेंटिफाई करके रखा है सर, इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहे हम लोग, आपको सभी को मिलेगा सर तुरंत। दूसरा सर, जो वाराणसी रोड पर बस स्टेशन बन चुका है, पर वहाँ का बस भी शहर के अंदर आता है।